जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हमारे पास एसएमएस ट्रेडिशनल ड्रेस है मेखेला चादर। जी हाँ, जो यहाँ का ट्रेडिशनल मतलब यहाँ का मतलब जो आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस है मेखेला चादर। आज ये दो पीस इसका डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कलर भी बहुत अच्छा है और मेटेरियल सिल्क कॉटन है, दोनों का ही सिल्क कॉटन है मेटेरियल। तो फ्रेंड्स मैं ओम अनन्या स्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये जो मेखेला चादर है ये असमीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। जी हाँ, ये आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस है मेखेला चादर। इसको सारी इन टू पार्ट्स भी आप कह सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका चादर दिखाता हूँ। चादर मतलब जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको चादर बोलता है। ये शॉल नहीं, जो चादर है इसका एक्चुअली प्रोनाउंस होता है सादौर। तो ये पहले जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली चादौर है। ये दोनों तरफ ही आपका सेम पल्ला होता है। ये जो पल्ला आपको दिख रहा है ये दोनों तरफ ही सेम होता है। इसको आप किधर से भी पहन सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये दोनों तरफ ही सेम होता है। ये दोनों तरफ सेम है और इसके साथ ही ब्लाउज पीस और साइड बॉर्डर अटैच होता है। इसमें साइड बॉर्डर अटैच है। ये चादर में ही आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच करवा सकते हैं। ये वाला पार्ट पे वो बॉर्डर जो को मैंने दिखाया वो स्टिच करवा सकते हैं। ये वाला बहुतों को नहीं चाहिए होता है, बहुतों को चाहिए होता है। ये पहला चादर है। और अभी जो मेखेला जो नीचे का जो बॉटम पार्ट होता है मेखेला वो ये रहा। ये भी एक्चुअली दोनों तरफ ही होता है, किधर से भी स्टिच करने के बाद पहन सकते हैं। ये रहा, ये दोनों तरफ ही सेम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सेम है दोनों तरफ ही। और इसका जो डिजाइन थ्रेड है फ्रेंड्स वो है घिसा। जी हाँ, ये घिसा है जो डिजाइन थ्रेड है। और इसके साथ ही आपका ब्लाउज पीस अटैच्ड है। ये है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस में आपको एक एक्स्ट्रा बॉर्डर मिल जाता है। कलर भी बहुत ही अच्छा है और मेटेरियल है कैसापार बाई कॉटन। जी हाँ, कैसापार फिर से यहाँ पे आ गया। इस कैसापार को आप रॉ फॉर्म ऑफ मलबरी सिल्क भी जानते हैं। मलबरी सिल्क जो है आसाम सिल्क, ये उसका रॉ फॉर्म है कैसापार। तो ये एक पहला मेखला चादर जो असमीज ट्रेडिशनल ड्रेस मेखला चादर है। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो भी सेम मटेरियल है, कैसा पात बाय कॉटन ही है। और इसका कलर बहुत ही अच्छा है, मुझे पहले वाला से ज्यादा बढ़िया लगा ये वाला कलर। तो अभी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप देख पा रहे होंगे। ये आपका चादर है, ये दोनों तरफ ही सेम डिजाइन रहता है। दोनों तरफ का जो आंचल है वो सेम रहता है। जी देख पा रहे होंगे, ये दोनों तरफ ही आपका सेम रहता है। और साथ में इसका पूरा बॉडी में आपको बूटा मिल जाता है। पूरा बॉडी में ये वाला बूटा मिलता है। और साथों साथ इसके साथ आपको एक ब्लाउज पीस और साइड बॉर्डर भी मिल जाता है। जी देख पा रहे होंगे, इसके साथ आपका ये वाला ब्लाउज पीस अटैच्ड है। ब्लाउज पीस में एक एक्स्ट्रा बॉर्डर आपको मिलता है। और पूरा बॉडी में, चादर का पूरा बॉडी में आपको ये वाला बूटा मिल जाता है। और ये बॉडी सॉरी ये चादर का भी जो आंचल है वो दोनों तरफ ही सेम होता है। इधर से भी पहन सकते हैं इसको। और जो मेखेला है, मेखेला में भी दोनों तरफ ही सेम सेम पैटर्न होता है, सेम आंचल होता है। जी देख पा रहे होंगे, ये मेखेला का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट जो दोनों तरफ ही सेम पल्ला सेम आंचल होता है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। सेम ही है आपका मूगा घिसा एंड एरी यूज किया गया है डिजाइन थ्रेड के लिए। और राउंड बूटा है इसमें। तो फ्रेंड्स ये दो आज हमारे पास जो मेखला चादर है, दोनों ही मेखला चादर क्या है वो है असमीज ट्रेडिशनल ड्रेस मेखला चादर। तो ये दोनों का ही जो मटेरियल है वो है कैसा पात बाय कॉटन। जो कैसा पात है वो है मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क। और ये दोनों ही सिल्क कॉटन ब्लेंड मेखला चादर है। तो ये आज का जो मेखला चादर हमारे पास, काफी दिन बाद आया एक्चुअली मेखला चादर का स्टॉक। तो ये मेखला चादर का स्टॉक आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइए। और ये दोनों फ्रेंड्स दोनों का ही जो रिटेल प्राइस है मैंने प्रोडक्ट के साथ ही मेंशन कर दिया है। और होलसेल प्राइस के लिए आप मुझे ये स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स आपको ये हमारे डिटेलिंग वीडियो में अगर कुछ कमी लगता है तो प्लीज हमें करेक्ट कीजिए, हम उस आपके सजेशंस को आने वाले वीडियो में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे लेटेस्ट कलेक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।